गाइज, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं, तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे।